हाय गाइस, सो वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने जैसे मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि जो नए पीआर के रूल आए हैं उसके बारे में वीडियोस बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा सच में एक्साइटेड थी उसके बारे में भी, क्योंकि मैंने वो पहले भी वीडियो बनाई थी जब उसके बारे में मतलब इनिशिएट हुई थी बात कि ये वाले रूल्स आने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सच्ची में खुश हुई थी। मैंने उस टाइम पे उसी टाइम वीडियो बनाई थी, मगर मैंने बोला था कि वो मार्च से लेके मई के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि स्प्रिंग खत्म होने से पहले पहले वो प्रोग्राम आ जाएगा, जिसका नाम था बिल C-19। तो अब जब स्प्रिंग खत्म होने वाली थी ना, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि मैम आप तो बोल रहे थे कि बिल C-19 में आ जाएगा। भाई मुझे भी नहीं पता था कि नहीं ऐसा कुछ आएगा। अभी जो लास्ट वाला प्रोग्राम आया था जिसमें हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ न्यू आने वाला है, जो कि शायद बिल C-19 के बारे में ही होगा, बट उस टाइम पे वो प्रोग्राम रेफ्यूजी वालों के बारे में आ गया था और सब मतलब वो हो गए थे, अपसेट हो गए थे कि यार हम कुछ नहीं आया बिल C-19 के बारे में, राइट। तो अब आज की वीडियो कंप्लीट उसी के बारे में होने वाली है, जो एक्सप्रेस एंट्री में बहुत बिग चेंजेस हुए हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि नए चेंजेस क्या है, बिल C-19 क्या है और होने क्या वाला है। सारा बातें मतलब डिटेल में करेंगे, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है आपकी फाइल को लेके, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक जो है आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए जी, फर्दर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बिल C-19 पहले तो बात करते हैं, बिल C-19 था और उसके बारे में क्या बात हुई थी पहले। तो बिल C-19 क्या था कि जैसे आप सबको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री में अपने CRS स्कोर के बेसिस पे सबको इनविटेशन जाता है, जो भी कट ऑफ निकलता है उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी लोगों के जो भी स्कोर बन रहे हैं सबको इनविटेशन चला जाता है। सम टाइम्स वो अलग तरीके से मतलब PNP बेसिस ड्रॉ होते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक्सप्रेस एंट्री में कई बार नॉन स्पेसिफिक ड्रॉज जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं। तो जो भी लोग कट ऑफ के पॉइंट के ऊपर जाते हैं उन सबको ड्रॉ जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल प्रोसेसिंग। अब हम अगर बिल C-19 की बात करें, तो बिल C-19 में बात हुई थी कि जो हमारा एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट की बजाय, मतलब CRS स्कोर की बजाय, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ में आएगा। मतलब कि ऑक्यूपेशंस कुछ ऐसी बताई जाएंगी जिन ऑक्यूपेशन की मतलब जरूरत हो कनाडा में, जो कि इन डिमांड ऑक्यूपेशंस होंगी, उनके बेसिस पे जो है ड्रॉ निकलेंगे। मतलब पॉइंट के बेसिस पे नहीं निकलेंगे, उनके बेसिस पे निकलेंगे। तो वही हुआ है अभी, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था स्प्रिंग के बीच में आएगा, या फिर स्प्रिंग के अंदर अंदर हमारा जो बिल C-19 का है उसके बारे में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एज दे प्रॉमिस्ड ऑन द 31st of May, स्प्रिंग का लास्ट डे जो होता है कनाडा में 31st of May होता है, तो 31st May को ये रूल जो है निकल चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम बहुत देर से डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हो जिसके अंडर ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है ड्रॉ निकले। तो 6 ऐसी कैटेगरीज गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिसमें आपका जो है ड्रॉ जिसके बेसिस पे 6 ऐसी कैटेगरीज के बेसिस पे निकलेगा, जिसमें से एक कैटेगरी तो लैंग्वेज के बेस्ड है, ठीक है। 5 जो कैटेगरीज हैं वो ऑक्यूपेशन बेस्ड है, 1 लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है। अब हम सारी डिटेल उसके बारे में बात करेंगे कि नंबर 1 पे जो है वो कौन सी कैटेगरी है। नंबर 1 पे उन्होंने बोला है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशंसी, मतलब फ्रेंच की लैंग्वेज में ऑब्वियसली उन्होंने कट ऑफ रखा है, वो मैं डिटेल पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि क्या क्या रखा हुआ है उसमें। NCLC 7 रखा हुआ है कि 4 मॉड्यूल होते हैं उसमें भी, मतलब आपको अगर फ्रेंच की लैंग्वेज आती है, मोर इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट के ऊपर है, वो वहां पे आप जाके देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी है जो फ्रेंच लैंग्वेज है। नंबर 2 हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत सारी ऑक्यूपेशंस नॉक कोड्स बता रखे हैं वेबसाइट पे कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जो हेल्थ केयर में आएगी। नंबर 3 पे आता है स्टेम। स्टेम में क्या होता है, एस मीन्स साइंस, टी इज इन टेक्नोलॉजी, ई मीन्स इंजीनियरिंग, एम मीन्स मैथ।
तो इन चारों मतलब कि स्टेम के ऊपर जो आएंगे वो भी इस इसमें जो है कैटेगरी एक बता रखी है। नंबर फोर पे बताया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं ट्रकर्स आते हैं जो ट्रक की जॉब करते हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम अगर मैं ट्रक के बेसिस पे मतलब आना चाहूँ कि क्या उसमें पीआर का मेरा कोई बेनिफिट है, तो अब आपके लिए ये अच्छी बात है कि इसमें ट्रकर्स को ट्रांसपोर्टेशन में जो काम करते हैं उनको भी काउंट किया गया है कि उनके भी ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे जो है ड्रॉ निकलेंगे। ठीक है, अब तीन हो गए हमारे, अब चौथे की हम सॉरी चार हो गए, पांचवे की हम बात कर लेते हैं। पांचवा जो है वो है हमारा ट्रेड ऑक्यूपेशन, जिसमें आपको ट्रेड सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे हैवी मशीनरी, ये सब चीजें और भी बहुत सारे हैं। कंप्लीट मैं आपको लिस्ट इस पे दिखा दूंगी स्क्रीन पे। ठीक है, अब और जो छठा है लास्ट है वो है एग्री फूड और एग्रीकल्चर, जो इन छह कैटेगरीज में आते हैं उसके बेसिस पे ड्रॉ निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, किसको क्या, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या जो इस कैटेगरीज में आते हैं उन सबको इन्विटेशन चला जाएगा, तो ये अभी कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। हो सकता है, होगा क्या, पहले तो ये बता रखा है होगा क्या, मतलब अभी कोई पर्टिकुलरली ऐसा पता नहीं है, बट जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ निकल रहे हैं तो पॉइंट्स का कोई मतलब रोल नहीं रह जाएगा। जो CRS स्कोर होते हैं उसको पॉइंट्स बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जो CRS स्कोर है उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो CRS रोल का इसमें क्या मतलब अहमियत रहेगी या क्या होगा, होगा ये लेट्स से अगर आपने लेट्स से हम बात कर लें फ्रेंच की। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो पहला कैटेगरी निकाली है इन्होंने, अगर लेट्स से टॉप 100 फ्रेंच के टॉप 100 लोगों को चूज किया जाएगा फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, मतलब कि टॉप 100 मतलब कि जिनके टॉप 100 में स्कोर है, ठीक है, जो टॉप में आते हैं उनको चूज कर लिया जाएगा। नंबर दो पे लेट्स से फॉर इंस्टेंस एग्री फूड वालों में से 50 चूज कर लिए। ठीक है, तो ऐसे मतलब पॉइंट बेस भी काम चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ही चलेगा, पॉइंट भी आपके चेक किए जाएंगे। तो मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस ऑक्यूपेशन में आते हो या कैटेगरी में आते हो तो आपका हो जाएगा। कीप फोकसिंग ऑन योर स्कोर्स ऑल्सो, वो भी बहुत मैटर करेगा कि ऐसे नहीं है। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सारी की सारी कैटेगरीज में ड्रॉ निकलेगा, मतलब अगला लेट से। अभी तक वैसे ये कुछ क्लियरली मेंशनड नहीं है, या फिर कह लो कि क्लियरली पता नहीं है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब अब अगला नेक्स्ट ड्रॉ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ हमारा अभी जो निकला है वो लास्ट 483 का आई गेस निकला है, जो अ डे बिफोर था, दो दिन पहले था। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा दो वीक के बाद। यहाँ पे कनाडा में जो उसका ड्रॉ निकलता है एक्सप्रेस एंट्री का, वो एवरी टू वीक निकलता है। ठीक है, एवरी टू वीक निकलता है, तो मतलब नेक्स्ट ड्रॉ मतलब अगले दो वीक में आएगा, नेक्स्ट वीक के फॉलोइंग वीक में। तो जब वो ड्रॉ आएगा तब हमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ऑक्यूपेशन बेस्ड या फिर इन सिक्स कैटेगरी के बेस्ड पे कैसे ड्रॉ निकलता है। बेसिकली हो सकता है ऐसे हो कि लेट्स से वो एक एक कैटेगरी कोई चूज कर लें, लेट्स से अगले ड्रॉ में वो सिर्फ बोल दें कि हमें स्टेम वाले ही लोग चाहिए। ठीक है, स्टेम वाले लोगों में से अगर कोई साइंस में आता है या फिर आईटी में आता है या मैथ की ऑक्यूपेशन या फिर इंजीनियरिंग में आता है, उनमें से जो टॉप 100, अब मैं ये सिर्फ एग्जांपल बोल रही हूँ टॉप 100 की, हो सकता है टॉप 500 भी चूज कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक मतलब लिमिट बता दें कि मतलब जिन लोगों के SCRS स्कोर जो है 352 लेके 500 के बीच में है, वो सारे सभी को इन्विटेशन चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलें जो टॉप 500 में आते हैं, स्टेम में आते हैं, उनको इन्विटेशन चला जाए। तो बेस्ड वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ये निकला है उससे पहले ही ड्रॉ आ चुका था। तो अभी जो नेक्स्ट ड्रॉ आएगा वो आएगा दो वीक के बाद, तो उसी मतलब ड्रॉ में सबको क्लैरिफिकेशन होगी कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ जो है वो कैसे निकलेंगे। बट निकलेंगे, अच्छी बात है, ऑक्यूपेशंस मुझे लगता है चेंज भी करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये मुझे लगता है रोल्ड आउट होने तो वाला है, पर हो सकता है 6 महीने के लिए ये कैटेगरीज चले, आफ्टर 6 मंथ्स कोई और कैटेगरी आ जाए, तो यू नेवर नो। बट इतनी अच्छी बात है कि जो उन्होंने बोला था वो हो रहा है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे रहा है। ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है, बट हो रही है, आई नो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे पता है डेफिनेटली अच्छी लग रही होगी, जो लोग इस ऑक्यूपेशन में आ रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो बस मैं आपको यही बोलूंगी कि
वेट करो नेक्स्ट ड्रॉ तक. बाकी मेक श्योर करो कि अगर आप इस ऑक्यूपेशन में आते हो और आपने अगर अभी तक प्रोफाइल क्रिएट नहीं करी है, तो पहला स्टेप वही करो कि फटाफट से अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना लो. क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल नहीं बनी तो फिर आपको इन्विटेशन कैसे आएगा, चाहे आपका इसमें नाम, ऑब्वियसली नाम भी कैसे आएगा, नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल अब पूल में हो ही नहीं तो प्रोफाइल कैसे पिक होगी, राइट. तो डेफिनेटली ट्राई करो कि 2 वीक्स हैं आपके पास, कंप्लीट 2 वीक्स हैं अभी, मतलब 2 वीक तो नहीं, 1.5 वीक, मतलब 10-12 दिन है. तो फटाफट से पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है. तो अब फटाफट से मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ऑक्यूपेशंस देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जो मतलब इस कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है. फटाफट से उस पर ध्यान दे लेते हैं पहले. तो ये आ गए हमारे सारे एक्सप्रेस एंट्री राउंड ऑफ इनविटेशन कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है. तो अभी बाकी मोटी मोटी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि ये कैटेगरी चूजन फॉर 2023, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशंसी, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, स्टेम आ गया, ट्रेड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन, ठीक है. हु इज़ एलिजिबल रैंक कैंडिडेट इन द पूल हु मीट द कैटेगरी रिक्वायरमेंट एंड इन्वाइट टॉप रैंकिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. अब सबसे पहले लेट्स हम चेक कर लेते हैं फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उसकी क्या क्या कौन कौन मतलब होने वाला है एलिजिबल. टू बी एलिजिबल मस्ट हैव अ फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट दैट शो अ मिनिमम ऑफ स्कोर 7 इन ऑल 4 लैंग्वेज अबिलिटीज ऑन, ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती. बेसिकली ये NCLC उनका स्कोर है, ठीक है. मीट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द इंस्ट्रक्शन फॉर दैट राउंड. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है प्रॉपरली, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद पढ़ लेना इसको. मैं इतने डिटेल में नहीं जा सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है. तो बेसिकली आपको NCLC 7 चाहिए इसमें, और चार मॉड्यूल होते हैं जैसे कि हमारे आइल्स के होते हैं. नंबर 2 में चलते हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन. टू बी एलिजिबल हैव accumulated विद इन द लास्ट 3 years एटलीस्ट 6 months ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा और अब्रॉड इन अ सिंगल ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन द टेबल बिलो. तो ये जो नीचे दे रखे हैं सारे नोकोड्स, इन में अगर चाहे आपके पास कैनेडा में चाहे आउटसाइड कैनेडा में 6 months का एक्सपीरियंस है, देन आपको इन्विटेशन आ सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा. ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज, कीरोप्रैक्टर्स, डेंटिस्ट, डाइटिशियंस, एजुकेशन काउंसलर, जनरल प्रैक्टिशनर एंड फैमिली फिजिशियन, ठीक है. इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एंड थेरेपी एंड असेसमेंट, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, मसाज थेरेपिस्ट. नर्सेज का तो जैसे मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोप है. अब इसमें 4 पेजेस हैं, बाकी की ऑक्यूपेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो कौन कौन सी और है. हम बढ़ते हैं आगे स्टेम की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ, ठीक है. इसमें आर्किटेक्ट्स आ गए, आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स आ गए. ये नॉक कोड भी दे रखे हैं, टीयर कैटेगरी भी बता रखी है आपको, तो वो आपके लिए नॉक कोड भी ढूंढना, केवल नॉक कोड ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वो भी यहाँ पे आपको सामने ही बता रखा है. बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, डेटा बेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन. इसके भी 3 पेज हैं, अगले पेज पे भी चले जाते हैं. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैंड सर्वेयर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियन एंड एक्चुअरीज. पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने अपनी वीडियो में शेयर करे हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे अल्बर्टा के प्रोग्राम थे जिसमें मैथ्स के टीचर्स वगैरह मतलब प्रोफेसर्स वगैरह नहीं आते थे. इस प्रोग्राम में आपका चांस लग सकता है अगर आपने अपनी एक्सप्रेस की एंट्री की प्रोफाइल जो है बना रखी है. तो 3 पेज हैं, ये भी जाके एक बार चेक कर लेना खुद से कि 3rd पेज में और कौन कौन सी ऑक्यूपेशन बता रखी है. उससे पहले अब हम चलते हैं ट्रेड ऑक्यूपेशन पे. ट्रेड ऑक्यूपेशन भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल installers, elevator constructor mechanics, machine fitters, heating, refrigeration and air conditioning mechanics, construction millwright and industrial mechanic, carpenter, plumbers, electrician, welders, contractor and supervisors,
other construction trades, installers, repairers and servicers. ठीक है, तो ये नॉक कोड बता रखे हैं, टीयर कोड भी बता रखे हैं, तो ये सारे इसमें भी आ सकते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन में ट्रकर्स वगैरह, रेलवे वाले, एयरक्राफ्ट असेंबलर, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. इंजीनियर ऑफिसर, वाटर ट्रांसपोर्ट, डेक ऑफिसर्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, एयर पायलट, फ्लाइट इंजीनियर्स, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, एयरक्राफ्ट मकैनिक एंड एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर, रेलवे कारमैन एंड वुमेन, मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रांसपोर्टेशन में 10 नॉक कोड्स हैं जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हो और आपको इनविटेशन आ सकता है. उसके बाद लास्ट वाला जो आता है वो एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन आती है. ठीक है, इसमें 3 ऐसे बता रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर सर्विसेज. एग्रीकल्चरल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर एंड फार्म सुपरवाइजर्स, बुचर्स, रिटेल एंड होलसेल. तो ये 3 नॉक कोड ऐसे बता रखे हैं जिसमें आपको इनविटेशन आ सकता है. बुचर वाले तो ओंटेरियो स्किल ट्रेड वाली जो एक ऑक्यूपेशन है पीएनपी की, उसमें भी आते हैं. तो जो इसमें आते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी चीज़ है ये. ठीक है, तो यही थे. इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं आप. तो विद दैट ऑल अब आपको जो है कैटेगरीज सारी पता चल गई. ठीक है, अब आपको ऑक्यूपेशंस भी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि आपने अब वेट करनी है, और पहले वेट करने से पहले अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जरूर क्रिएट कर लेनी है. ठीक है जी, तो प्रोफाइल क्रिएट कर लो. ऑक्यूपेशंस आपको पता चल चुका है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. खुद भी फ्री टाइम में चेक करना चाहते हो तो लिंक पे जस्ट क्लिक करो और अपने आप जो है चेक कर सकते हो. प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो या फिर मुझे मैसेज कर लो इंस्टाग्राम पे. ठीक है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी. पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उनके साथ जरूर शेयर किया करो. जो लोग अभी इन कैटेगरीज में आते हैं उनको खुशखबरी दे दो फटाफट से उनके साथ लिंक शेयर करके. तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ. बाय बाय.